और वहीं पोर्ट ब्लेयर में आज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। नए टर्मिनल की बिल्डिंग लगभग 710 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अंडमान निकोबार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे उद्घाटन करने वाले हैं नए टर्मिनल का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। 10:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रशासन ने पौंग डैम झील का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है, जिससे झील का जल स्तर बढ़ने पर उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कभी भी कांगड़ा में बना डैम खोला जा सकता है, जिसके बाद पौंग डैम झील में उफान आ जाएगा और आसपास के इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर सकता है। इसलिए प्रशासन ने झील के आसपास रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। आगामी कुछ दिनों में दरिया के किनारे बिल्कुल न जाएं। जिला प्रशासन के मुताबिक डैम में लगातार पानी भर रहा है, जिसे खोल दिया जाएगा, इसलिए लोगों को आगाह किया गया है।